तो यार सुपरमैन क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आते ही इतना ज्यादा वीक कैसे हो जाता है। चलो क्रिप्टोनाइट अगर गैस के फॉर्म में हो तो मानते हैं कि वो सुपरमैन के ऑर्गन्स को हार्म पहुंचाएगा, लेकिन सुपरमैन तो क्रिप्टोनाइट की रोशनी से ही वीक होने लगता है। और सबसे बड़ी बात कि सुपरमैन भी तो क्रिप्टोन का रहने वाला था, तो फिर क्रिप्टोनाइट क्रिप्टोनियंस को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। तो यार देखो क्रिप्टोनाइट एक ऐसा मैटर है जो कि क्रिप्टोनियंस को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो सुपरमैन को नुकसान पहुंचाता है उसकी भी एक वजह है। देखो अगर हम सही मायने में देखें तो क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को वीक नहीं करता, बल्कि उसके पास जो एक्स्ट्रा पावर्स होती है येलो सन की एनर्जी की वजह से क्रिप्टोनाइट उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद सुपरमैन एक नॉर्मल क्रिप्टोनियन बन जाता है। और जबकि सुपरमैन शुरू से ही अर्थ पर रहा था तो उसे क्रिप्टोन के वातावरण में रहने की आदत नहीं है, और यही एक रीजन है कि सुपरमैन क्रिप्टोन के वातावरण में रहना नहीं जानता, इसीलिए क्रिप्टोनाइट उसे क्रिप्टोनियन से भी ज्यादा वीक कर देती है, यहां तक कि इंसानों से भी ज्यादा वीक। लेकिन अगर सुपरमैन क्रिप्टोनाइट के वातावरण में रहना सीख जाए तो क्रिप्टोनाइट उसे कभी भी वीक नहीं कर पाएगा, लेकिन ये काम इम्पॉसिबल सा है। मानो जैसे सुपरमैन क्रिप्टोन के वातावरण में रहना तो सीख गया हो, लेकिन फिर उसके लिए अर्थ के वातावरण पे रहना मुश्किल हो जाएगा। और बस वीडियो हो गई पूरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना।